हमारा चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर नर एवं मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की, तो हम लैंगिक जनन की डेफिनेशन और इसकी जो विशेषताएं होती हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है लैंगिक जनन की परिभाषा। तो जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा जनकों की सामूहिक भागीदारी के द्वारा अपने समान दिखने वाली संतति को क्या किया जाता है, जन्म दिया जाता है। यानी उसके अंदर जो मेल पेरेंट है वो भी होगा और जो फीमेल पेरेंट है वो भी होगी, दोनों ही मिलकर अगर अपनी संतति को जन्म दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन, ठीक है। अब इसके अंदर लैंगिक जनन की और क्या क्या विशेषताएं होती है, ये तो हुई परिभाषा। और विशेषताओं के अंदर आता है सबसे पहले युग्मक निर्माण होगा। युग्मक अगर हम बात करें मनुष्यों के अंदर, तो नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। तो अगर जनन लैंगिक जनन है तो अवश्य उसमें क्या होगा, युग्मकों का निर्माण। और युग्मक का निर्माण कौन से विभाजन के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है, जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे तो उन दोनों का क्या होगा, संलयन। संलयन मतलब मिलना। तो इन दोनों के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, निषेचन। उससे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने इस चीज़ को समझाया था। तो निषेचन की क्रिया होगी और निषेचन के फलस्वरूप कौन सी संरचना का निर्माण होता है, युग्मनज का। यानी इधर से नर युग्मक मिला, इधर से मादा युग्मक, इन दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ प्रेजेंट होते हैं, वी नो दैट, ठीक है। तो ये दोनों मिलते हैं, दोनों के मिलने से जो एक कोशिका बनेगी वो क्या कहलाएगी, युग्मनज कहलाएगी, ठीक है। तो युग्मनज बनता है। फिर उसके बाद है युग्मनज में कई समसूत्री विभाजन के द्वारा संतति पादप या जंतु का क्या होता है, विकास होता है। समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण से जो छोटा शिशु है इसका निर्माण होता है इस तरीके से, ठीक है। या पादप के अंदर बात करते हैं तो नए पादप का क्या होगा, निर्माण होगा। तो युग्मनज है, युग्मनज किस में चेंज होता है, युग्मनज जो है वो भ्रूण में चेंज होगा और भ्रूण से फिर नया शिशु या पादप बनता है। उत्पन्न होने वाली संतति में विभिन्न लक्षणों का समाहित होना, उत्पन्न होने वाली जो जो संतति होती है उसमें विशेष लक्षण आते हैं। विशेष लक्षण किस लिए आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है, युग्मकों का। और हम लोगों ने जो 11th वाला चैप्टर है, 11th के एक चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक क्रिया होती है जिसका नाम होता है क्रॉसिंग ओवर। तो जहां क्रॉसिंग ओवर होता है वहां नए लक्षणों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और नए लक्षण आएंगे तो नई प्रजाति का क्या हो जाएगा, निर्माण। जैसे सपोज करो कि किसी इंसान, जो मनुष्य है, उसकी जो प्रथम पीढ़ी है उसके अंदर सभी की आंखें हैं, उनका रंग काला है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उनका जनन की जब क्रिया उनके द्वारा की जाती है और जनन करते समय जब उनके अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है संतति के अंदर जो आंखों का रंग है वो भूरा हो जाए। तो दो कैटेगरी बन गई ना मनुष्य की, एक काली आंखों वाला और एक भूरी आंखों वाला। तो इस तरह से नई प्रजाति का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। अब चूंकि हम वनस्पति विज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ मनुष्य को लेकर नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पादपों के ऊपर लेके। तो आवृतबीजी पादपों में लैंगिक संरचना कौन सी होती है, पुष्प। मनुष्यों के अंदर तो नर जननांग अलग होते हैं, मादा जननांग अलग होते हैं, लेकिन जो जनन की क्रिया में, लैंगिक जनन की क्रिया में पादपों में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हमारा पुष्प। तो पुष्प की अगर जो डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या होती है, रूपांतरित प्ररोह होती है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, या हम इसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं, रूपांतरित प्ररोह है। पादप का शीर्ष विभाजक पत्तियों का निर्माण करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। लाइक जैसे तना जो होता है उसकी या टहनी की आगे वाला हिस्सा होता है, ये वाला आगे वाला हिस्सा यहाँ का जो विभाजक उत्तक है, विभाजक उत्तक क्या होता है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें कंटिन्यूटी में क्या होता है, वो कोशिकाएँ विभाजित होती रहती है। तो जो ये विभाजक उत्तक है जो पत्तियों का निर्माण कर रहा था, वो पत्तियों का निर्माण करना तो क्या कर देता है, रोक देता है। और किसका निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, पुष्प का। इसीलिए हम पुष्प को क्या कह रहे हैं, रूपांतरित प्ररोह। प्ररोह क्या होती है, तना ही होता है ना, तो तना जो होता है उसका अग्र सिरा, उसके ऊपर विभाजक उत्तक पाए जाते हैं और ये विभाजक उत्तक पत्तियों का निर्माण नहीं करते, निर्माण करना बंद कर देते हैं। और किसका निर्माण करना शुरू कर देते हैं, पुष्प का कर देते हैं। अभी कहीं नीचे लाइन है कि पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहा जाता है, क्यों, ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। आगे पहले पुष्प की हम लोग संरचना को समझेंगे। तो देखो क्या है पुष्प की संरचना,